हेलो फ्रेंड, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो इंट्रांस प्रिपरेशन के दिनों रात मेहनत करके बहुत ज़्यादा इफोर्ट लगा के मैं इंट्रांस से क्रैक करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में एट द एंड उसने क्रैक नहीं कर पाई एग्जाम को। तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई थी, डिप्रेस हो गई थी, एकदम से टेंशन, उसका जो बिहेवियर था पूरा चेंज हो गया था। उसको क्या करना था क्या नहीं करना था सब उल्टा चलने लगा। ये बात इसके पापा को सहन नहीं हुआ, मतलब देख के रहाइश नहीं हुआ, देखा नहीं गया। तो उसने अपने बेटे को बुलाया, बोला कि बेटी किचन में चलो मेरे साथ। तो अपने बेटी को ले गया, पहले से उसने तीन बॉल्स रखे हुए थे कचौड़े, और उसमें तीन चीज रखे हुए थे। पहले में अंडे रखे हुए थे, दूसरे में आलू रखे हुए थे, तीसरे में कॉफी बीन्स रखे हुए थे। तो उन्होंने बोला अब तीनों स्टोव ऑन कर दें, तीनों को रखे उबालने के लिए, बॉयल करने के लिए। तो कुछ देर बॉयल हुआ तो उस लड़के को इरिटेट होने लगा कि ये कर क्या रहे हैं। तो बोले पापा कर क्या रहे हो आप। तो उसके पापा ने बोले 5-6 मिनट हो गए थे, तो बोले बेटी अभी 1 मिनट और रुक जाओ, फिर बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। थोड़ी देर और रुके जब पूरा बॉयल हो गया, तीनों को एक एक करके स्टोव बंद किए। स्टोव जब बंद किए तब अब निकाले, सबको निकाले, आलू को निकाले प्लेट में, अंडे को निकाले, और जो कॉफी था कॉफी बीन निकाल के अब यहाँ एक कप में डाल। अब बोले कि बेटी तुमको यहाँ पर क्या दिख रहा है बताओ। तो बेटी बोली क्या दिख रहा है, अंडा है, आलू है, कॉफी है, इसमें देखना क्या है। इरिटेशन होने लगी। तो उसके पिताजी ने बोले देखो बेटी, ये आलू पहले कैसा था, पहले अंदर से बहुत टाइट था, अब इसको तोड़ छू के देखो क्या है। तो उसने जब छुआ तो आलू इसे सॉफ्ट हो गए थे, एकदम टूटने लगे थे। तो उन्होंने बोला, उसके पिताजी ने बोला उस लड़की से कि आलू पहले अंदर से एकदम कड़ा था, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग हीट करें, जैसे उसको हम लोग बॉइल किए, जैसे वो अंदर से क्या हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया। और दूसरा जो है अंडा, मतलब वो पहले अंदर से बहुत सी सॉफ्ट था, लेकिन जैसे हम लोग तीनों को एक ही सिचुएशन में डाले हैं, बॉयल किए तीनों को, लेकिन अंडा जो था उसको अंदर से पहले सॉफ्ट था बॉयल होने से पहले, लेकिन जब उसको जब आंच पड़ी, आग पड़ा, तप पड़ा, तो क्या हो गया, अंदर से एकदम हार्ड हो गया, मतलब टाइट हो गया अंडा। और तीसरा जो था कॉफी बीन, मतलब इसने क्या हुआ था, वो भी ये भी उसी प्रोसेस से गया था हीट करने से, बॉयल करने से। तो इसमें क्या हुआ था, कॉफी भी ना कि खुद को बदला उसने, सिचुएशन बुरी उस सिचुएशन पे उसने ना कि खुद को बदला, बल्कि पूरे पानी को बदल दिया, पानी कलर में डाल दिया। तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हमारी लाइफ भी होती है। पहला आलू की तरह हमारी जिंदगी में कोई भी बुरा सिचुएशन आता है तो पहले हम हार्ड होते हैं, बस अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाते, टूट जाते हैं। तो बिल्कुल आलू की तरह हो गया। एक हो गया दूसरा, मतलब हम लोग कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति परिस्थिति आता है, प्रॉब्लम आता है, तो हम अंदर से क्या होते हैं, एकदम बन जाते हैं, वहां से हम लोग टूटते नहीं, बिखरते नहीं, बल्कि और ज्यादा वहां से हम लोग मजबूत हो जाते हैं। और एक हो गया कॉफी बीन की तरह, मतलब क्या, जब कोई भी हमारी जिंदगी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, चैलेंजेज आए, तो ना कि उससे हम लोग डटे रहे फिर लड़े सिर्फ, बल्कि पूरा वहां पर अपने जिंदगी को ही बदल देते हैं। तो ये हुआ कॉफी बीन की तरह, एग्जैक्टली इसी तरह हमारी लाइफ भी होता है। तो अब जिसको चूज करना है कि हम लोग किस तरह बने, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम आलू की तरह बनना चाहते हो, अंडे की तरह बनना चाहते हो, या कॉफी बीन की तरह बनना चाहते हो। जो सिचुएशन आए तो उस पूरा सिचुएशन को ही बदल दे, बल्कि अपनी जिंदगी को वहां से बदल दे, ना कि वहीं से डिप्रेस होकर नीचे गिर जाए। अगर कुछ सीखने को मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।